नमस्ते दोस्तों मीनू मारवाड़ी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के लिए आज हम इतने टेस्टी इतने ज़बरदस्त सबसे अलग हट के नए तरीके से पराठे की रेसिपी लेके आए जो इतने सॉफ्ट बनेंगे इतने मुलायम बनेंगे इतने टेस्टी बनेंगे जिनके दांत भी ना होंगे ना वो भी एक की जगह दो खा जाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बच्चे हर बार इस तरीके से बने हुए पराठे खाने पसंद करेंगे क्योंकि दोस्तों आज हम बहुत ही अलग हटके बना रहे हैं ये पराठे आज से पहले कभी नहीं बनाएंगे इस तरीके से तो ना तो आज हम आटा लगाने वाले हैं ना अलग से फिलिंग बनाने वाले हैं और ना ही कोई बैटर बनाने वाले हैं बहुत ही अलग हट के हम आज ये पराठे की रेसिपी लेके आए हैं कम मेहनत में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो रेसिपी को पूरा फॉलो अच्छे से करना और रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है जो भी इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी यूजफुल रेसिपी सबसे सब पहले आप तक पहुँचे तो चलिए शुरू करते हैं आज सबसे अलग हट के नए तरीके से पराठे की रेसिपी तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पत्ता गोभी और प्याज के पराठे बनाने वाले हैं तो पत्ता गोभी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है आप फूल गोभी भी ले सकते हो यहाँ पे और देखिए प्याज को हरी मिर्ची को भी मैंने चॉप कर लिया है प्याज हरे प्याज भी ले सकते हो अगर आपको हरे प्याज पसंद हो तो या आलू पसंद हो इसके साथ तो आलू भी ले सकते हो कोई सी भी सब्ज़ी ले सकते हो अपने पसंद ने। और यहाँ पे देखिए एक टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है ये देखिए इस चोपर से मैंने चॉप किया है आप चाहे तो कद्दूकस करने वाले से कर लीजिए आपके पास ये चॉपर हो तो चॉपर से कर लीजिए दोनों ही ना हो तो चक्कू से बारिक बारिक चॉप कर लीजिए आप जैसे आपकी मर्जी हो ना वैसे ही से चॉप करिए लेकिन बारीक करिए तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने दो चम्मच ऑयल की डाल दी है और अब इसमें ज़ीरा डाल देंगे एक चम्मच ऑयल गर्म होने के बाद और यहाँ पे हींग डाल देंगे हो तो जरूर डाले इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पराठे के अंदर पहले हम दो मिनट प्याज को भून लेंगे या आप यहाँ पे अदरक लहसन का पेस्ट भी डाल सकते हो थोड़ा सा दो मिनट भूनने के बाद हम जो ये गोभी पत्ता गोभी को चोप कर रखा था ये डाल देंगे अब देखिए यहाँ पे ये जिंग भी नहीं है कि इसमें पानी हो जाएगा नमक डालने से पहले तो यहाँ पे हम नमक भी डाल सकते हैं टमाटर भी डाल सकते हैं देखिए कितने इजी तरीके से बनाएंगे कोई झिझट नहीं है इन पराठे बनाने का पानी वानी का किसी भी चीज़ का झिंझिट नहीं है सब्ज़ियाँ पानी छोड़ दी दे देती है तो फिर पराठे अच्छे से नहीं बन पाते फट जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने सौंप डाल दी है दो चम्मच और एक चम्मच हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर और आधी छोटी चम्मच मैंने अजवाइन डाल दी है अजवाइन अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर दीजिए और यहाँ पे क्रश करके धनिया डाल दिया डेढ़ चम्मच थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है अगर अजवाइन आपको पसंद नहीं है तो इसकी हटा दीजिए और ये टमाटर डाल देंगे मसाले डाल के फिर यहाँ पे ये टमाटर भी डाल देंगे तो देखिए कभी भी अगर आप पराठे के लिए मसाला बनाते हो तो पानी नहीं डालते लेकिन हम पानी डाल रहे हैं यहाँ पे किसी तरह की कोई झिंझ ना होगा ना आपको अलग से आटा लगाना पड़ेगा ना अलग से फिलिंग भरनी पड़ेगी ना पराठे भरने की फटने की कोई टेंशन नहीं होगी इतना अलग हटके बना रहे हैं फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे तो देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया है थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है और ये गेहूं का जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं ना वो वाला आटा लिया है अब इसी के अंदर हम ये आटा डालते जाएंगे जितने आटे की आपको बनानी है ना उतना आटा ले लीजिए पहले और थोड़ा थोड़ा आटा करके इसमें मिक्स करते जाइए पानी आप सब्जी के अंदर पहले थोड़ा ज़्यादा डाल सकते थे ये जो हमने फिलिंग तैयार की है ना पराठे के लिए इसमें पानी अगर आपका आटा ज़्यादा हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए मैं जितने आटे की बना रही हूँ उस हिसाब से मैंने एक डेढ़ कप पानी डाला था और देखिए इस तरीके से धीरे धीरे आटे मिक्स करते जाएंगे आपका अगर थोड़ा लिक्विड रहे तो आटा थोड़ा सा और डाल दीजिए और टाइट रहे तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए तो देखिए चम्मच से ही हमारा आटा लग के तैयार हो गया चम्मच से मैंने अच्छे से मसल मसल के ये आटा तैयार कर लिया है और देखिए अभी भी हल्का हल्का गर्म है तो ये आटा भी नहीं चिपक रहा हमारे हाथों के बहुत ही अच्छे से लग के तैयार हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ देखिए कितना बढ़िया आटा लगा है जैसे हमने हाथों से गूँथ के लगाया ना उसी तरीके से ये आटा लग के तैयार हो गया है ये देखिए इस तरीके से तो है ना अलग हट के दोस्तों ना ही तो यहाँ पराठे फटने की या भरने की किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी और इतने टेस्टी पराठे बनेंगे दोस्तों एक बार आप ज़रूर बनाइए इस तरीके से पराठे तो यहाँ तो हुआ मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और मैंने आटे की एक लोई ली है सूखा आटा लगाया है इसे बेल लिया है छोटे बड़े जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से बना लीजिए और ये देखिए तवे पर मैंने डाल दिया है इसे और अब दूसरा पराठा भी हम बेल के तैयार कर लेते हैं इधर हमारा पराठा सिक रहा है और इसकी साइड चेंज करके हम घी लगा देंगे घी अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसा भी आप लगाना चाहते हो ज़्यादा लगाना चाहते हो ज़्यादा लगाइए कम लगाना चाहते हो कम लगाइए अब इस पराठे की साइड चेंज करके फिर घी लगा देंगे दोनों तरफ घी लगा के अलट पलट करके बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक इसकी सिकाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा तवा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था दोस्तों तो ज़्यादा अच्छे से सिकाई हो गई है जब भी आप पराठे बनाएं तो कम आंच में ही सिकाई करें तो पराठे अच्छे बनते हैं तो ये पहले वाला तो हमारा थोड़ा ज़्यादा सिकाई हो गई है क्योंकि तवा ज़्यादा गर्म हो गया था अब दूसरे वाले की भी वैसे ही सिकाई कर लेंगे साइड चेंज करके घी लगा देंगे और दूसरी साइड चेंज करके भी घी लगा देंगे और बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए ऐसे पराठे की सिकाई कर लेंगे तो दोस्तों इसी तरीके से हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं इस तरीके से दोस्तों ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती ना ही कोई फटने का टूटने का किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती ये देखिए बिल्कुल भी ना फटते हैं ना टूटते हैं इस तरीके से सारे पराठे बना के मैंने तैयार कर लिए हैं दोस्तों तो ये लीजिए दोस्तों हमारे बहुत ही शानदार एकदम सॉफ्ट मुलायम पराठे बन के तैयार हो गए हैं और दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही इजी तरीका आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है आप खुद देखिए देखिए कितने शांत तो दोस्तों बिना किसी झिंझ के कम मेहनत में हमारे ये बहुत ही टेस्टी पराठे बन के तैयार हो गए हैं और दोस्तों आप सब लोग भी एक बार मेरे कहने पे इस तरीके से पराठे जरूर बनाइए एक बार इस तरीके से बना के आपने खा लिया ना तो हर बार इसी तरीके से बने हुए पराठे खाना पसंद करेंगे और दोस्तों आप सभी को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और दोस्तों मेरा समझाने का तरीका आप सभी को अगर अच्छा लगा हो नहीं भी लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना ताकि मैं आगे और भी सुधार कर सकूँ अपनी रेसिपी में या समझाने के तरीके में और दोस्तों आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो उसके लिए भी मुझे ज़रूर कमेंट कर देना और जो भी इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद टेक केयर मिलते हैं फिर अगली ऐसी एक न्यू रेसिपी के